ये आज फ्राइडे शाम है और अभी अभी एक ब्लाइंड डॉग ये लोग नूरपुर से लेके आए हैं। सर, इसके चोट कैसे लगी वो हमें पता नहीं है। मन्नत जो यहाँ पे वॉलंटियर करते थे, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था इसके रिगार्डिंग अराउंड 4 डेज बैक। हमारे पास स्पेस नहीं थी इसलिए हम ले नहीं पाए थे, लेकिन अब हम इसे ले आए। आपने किसी को रिलीज किया जो स्पेस बनी है? हाँ जी सर, कबीर को कल रिलीज किया था ना, वायर ट्रैप केस। ओह गॉड, इसकी तो आंख बिल्कुल ही खत्म है, ग्रिप नहीं मिलेगी। कांट इमेजिन यार, ये कितने पेन में होगा। मुझे तो देखा भी नहीं जा रहा, ना इसकी चोट ना इसका ट्रीटमेंट। मुझे यही लगता है कि यार हमसे जो चीज़ देखी भी नहीं जाती वो चीज़ें ये लोग सहते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं ना भाई, अरे ये मीट वगैरह वाले वीडियो हमें मत दिखाओ, हमसे देखा नहीं जा रहा। तो अरे तुमसे देखा नहीं जा रहा, तुम ऐसी चीज़ें क्यों करते हो जो जिससे जानवरों को इतनी तकलीफ हो। फतेहपुर गए थे आप? हाँ जी सर। क्या केस था? यहाँ से जाने से पहले हमको कॉल किया, उन्होंने बोला है यहाँ पे, आप आ जाओ। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो बोलते ही पता ही कहाँ गया। फिर हम काफी देर तक एक डेढ़ घंटा उसको ढूंढते रहे, फिर उसके बाद हम वापस आ गए। ये फतेहपुर से खाली आए हैं। फतेहपुर आपने गाड़ी भेजी क्यों? फतेहपुर तो हमारे एरिया से बाहर है। हमारे एरिया में अभी और कोई केस नहीं था पेंडिंग, तो इसलिए मैंने भेजा था। और मैंने मेक श्योर किया था कि वो लेडी वहाँ पे रहे, एंड कॉल भी किया था निकलने से पहले। उन्होंने बोला है बुल, और हम जब वहाँ पहुँचे तो फिर इन्होंने तब भी कॉल किया था पहुँचने के पहले, एंड देन बुल वाज गॉन। लोगों को भी थोड़ा तो जिम्मेदार होना चाहिए ना, मतलब कि यार जब तक गाड़ी वहाँ आ रही है तब तक आगे पीछे तो रह लो जानवर के। लोग तो सोचते हैं बस फोन किया, उनकी जिम्मेदारी खत्म। आप में से कुछ लोग हमें पिछले 2 या 3 अपडेट से कह रहे हैं कि हर क्लिप पे हम लिखें कि वो किस दिन शूट हुआ है। अब आप में से जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको तो सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए कुछ चीज़ें बोरिंग हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि जो रेस्क्यूज है या जो एक्साइटिंग चीज़ें हैं वो शुरू में ले आते हैं और बीच बीच में रखते हैं। तो क्या है कि एडिटिंग नॉन लीनियर रहती है, तो वो जंप करेगा। कभी आप देखेंगे मंडे, फिर सैटरडे, फिर थर्सडे। तो इसलिए हम डेज नहीं लिखते। आई होप कि आप समझते हैं। क्यों बेटी जी? फाइन। अमरप्रीत, अकबर और एंथनी शिफ्ट हो रहे हैं, जो एल्युमिनियम रूम उनका बना है वहाँ पे रेजिडेंट एनिमल्स के साथ। ये किस लिए? कि ताकि थोड़ा गद्दे जैसा रहे उनके लिए। अरे वाह, अब ये तीनों अपने नए आशियाने में रहेंगे। इनफ स्पेस है इनके पास चिल करने को। चूचू के पास तो अपना इंडिपेंडेंट कमरा ऑलरेडी है ही, तो चूचू के तो कोई रूममेट्स नहीं है क्योंकि इसका एटीट्यूड थोड़ा हटके है ना चूचू? यहाँ पे पूजा और प्रगति डॉग टॉयज बना रहे हैं, जो हम यूजुअली बनाते हैं डोनेशन से। हमें बहुत सारे कपड़े डोनेशन में आते हैं और उससे हम इतने सुंदर सुंदर डॉग टॉयज बनाते हैं। दिखाएगी पूजा? हम शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे और 4 घंटे आपके लिए हम चीज़ें बनाते हैं, पैक करते हैं, और फिर 1 बजे शाप यहाँ से निकलते हैं। आज बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ है कि हम पहले पहुँच गए, अमेजोन वाले बाद में आए हैं। मैं अभी आने वाले एरिया में आया हूँ, और ऑफ कोर्स फर्स्ट साइड ये है कि टोफू जो है ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर अंकित के स्टूडेंट्स को हरास कर रही है। ये जो नया बेबी आया है इसका नाम नहीं रखा ना सर अभी? नहीं। तो ये कैल्शियम दे रहे हो आप इसको? आपको पता है गाय बैल के सिर्फ नीचे वाले जबड़े में दांत होते हैं। मेरी पीछे अहिल्या खड़ी है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इसका स्टिल बॉर्न बेबी पैदा हुआ था। तो अभी मैंने नोटिस किया कि इसको पीछे एक वाइट पेस्ट ये लोग लगा रहे हैं। बेसिकली हम स्मेयरिंग कर रहे हैं इसको विद जिंक ऑक्साइड, लिग्नोकेन जेली और सोफ्रामाइसिन से। इससे ये होगा कि जो इसकी स्वेलिंग है वो कम होगी, पेन इसको कम होगा और उसको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। डॉक्टर अंकित ने बताया इससे इसकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। आज इसका आखिरी दिन है जिंक ऑक्साइड का, इसके बाद शी इज ओवर दैट बैड इंसिडेंट। मैं इस समय चाय के साथ हूँ। मैंने पहले कोई गाय नहीं देखी जिसकी आई लैशेज ऐसे ब्राउन ब्लॉन्ड कलर की हों। चाय बिस्किट की मॉम है, बिस्किट तो हमारे साथ नहीं है, पर चाय की तबीयत भी बहुत ज्यादा अच्छी अभी तक नहीं है। ये जब से आई है तब से कमजोर है, इसको बहुत ज्यादा डायरिया है। इसका डायरिया बीच बीच में थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे कि परसों बहुत ज्यादा लिक्विड था, लेकिन अभी कल से बेटर है काफी ज्यादा। इसने देखो कैसे तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है, टांग रखी है अपनी। बस इसको मुझसे नफरत है और किसी से नहीं। बेटी को मैं पसंद नहीं हूँ एक्चुअली। ये देखो ये मुझे मारती है। मैंने आपको बताया था ना कि मीनाक्षी जी यहाँ पे फूलों वाले कुछ कार्ड्स बना रही थी, अब ये वापस आ गई हैं और अब ये पेपर भी जो है अपना खुद बना रही हैं। मैंने वेस्ट पेपर, थोड़े न्यूज़ पेपर्स लिए और थोड़े जो पेपर कटिंग्स यहाँ पर गिरते ही रहते हैं तो वो हम एक दिन के लिए इकट्ठे कर लेते हैं और उसको उससे ही बनाते हैं। तो अब हम काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि अब हमारे जो जैसे ये भावड़ी के बीज लगे हैं ये हो गया, या सरसों के बीज हो गए, और अलसी छोटे मोटे बीज, गेंदे के बीज हो गए, या इवन जंगली फूल भी हैं कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ।
और वो सभी कुछ इस पेपर के अंदर चला जाएगा और ये जब बायोडिग्रेड तो ऑफ कोर्स होगा ही, इसमें से तब तरह तरह के पौधे भी निकल आएंगे। ये मेरे पीछे शाइनी है इस समय लूसी के साथ खेल रही है। लूसी वही है जिसके 4 बच्चे हैं। ये जो सारी मदर्स होती हैं इनको किसी टाइम पे अपने बच्चों से ब्रेक चाहिए होती है, तो अब क्योंकि ये केनल में इसको बेचारी को ब्रेक मिलती नहीं, तो इसलिए शाइनी इसको अब निकाल के बाहर खिला रही है। तुम इनसे इंग्लिश में क्यों बात करती हो शाइनी? मैं हिंदी में भी करती हूँ। आओ लूसी लेके आओ। मो को हमें कॉलर लगा के रखना पड़ा था, अब इसके जो घाव है वो भर गए, स्विचर्स भी पूरी तरह से ठीक हो गए, तो आज इसका हम निकालेंगे कॉलर। ओ ये हमारा एनरिचमेंट के लिए बोर्ड है, तो इसमें सारे जितने हमारे पास डॉग्स हैं, पपीज हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं एंड एक रिकॉर्ड रहता है कि आज कौन कौन से डॉग्स बाहर गए और कौन कौन से नहीं गए। डॉग्स तो सारे बहुत सुंदर होते हैं, बट एक इतनी सुंदर डॉग हमारे पास आई है जिसकी स्पेस सर्जरी के लिए हम उसे लेकर आए थे। इसका नाम है ऑटम। हाय ऑटम। इसको हमने पहली बार लीश पे निकाला। चलो 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 चलो, लेट्स गो। शाइनी क्या हो रहा है? ऑटम का फोटो शूट हो रहा है अडॉप्टिंग के लिए। ऑटम है कौन? वो स्पे के लिए लाए थे। वो लुक एट हर, शी इज सो प्रीटी। यार तो तुम प्रीटी का ही क्यों अडॉप्ट करवाती हो? ये तो बात नहीं है एक्चुअली, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट अदरवाइज सता रहा हूँ यार मैं तुम्हें। सबको अडॉप्ट करवाते हैं यार। इसकी क्या गलती है? तो सबकी अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों को होता है कि हम उसको अडॉप्ट करें जो दिखने में सुंदर है। Sends a nice hairstyle, bro. मुझे जला रहे हो ना तुम? टिम्सी को बहुत टाइम से कोई भी अडॉप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि ये बूढ़ी है और बूढ़े डॉग्स को लोग कम अडॉप्ट करते हैं, तो ये फॉस्टर से फॉस्टर्स घूम रही थी, फिर इवेंचुअली ये हमारे पास ही आ गई थी। लेकिन अब गुड न्यूज ये है कि पराग जी जो मुंबई में रहते हैं उन्होंने टिम्सी को अडॉप्ट किया है और उनका कहना ये है कि वो एक ऐसे डॉग को घर देना चाहते हैं जिसे घर की जरूरत हो। अनिकेत हमारे साथ वॉलंटियर कर रहे हैं शाहपुर से, ज्वाला को उन्होंने थका दिया है ना। अखरोट इतना ज्यादा थक गया ना, इसकी शक्ल देखने लायक है। ये वॉक करके आया है शुभम के साथ। शुभम हमारे न्यू वॉलंटियर है जो शाहपुर से है। तो ऐसे एनरिचमेंट के बाद सारे हमारे डॉग्स थक जाते हैं। संजय जी और शिवानी ईश को लेके आई हैं। ईश पीपल फार्म की टीम का एक सदस्य हैं जो डेली रहती हैं, पर इस समय ये पीपल फार्म ट्राई आउट करने आई हैं कि क्या ये यहाँ पे मूव हो सकती है। मैं अब आपको एक झलक भी दिखा दूँगी, ये जो पीपल फार्म के लोग हैं ये कैसे रहते हैं। ये जो स्पॉट है यहाँ पे, यहाँ हम हमारा फार्म का जितना भी कूड़ा है वो जलाते हैं। सो वन ऑफ द रीजन जो हम ये करते हैं वो है कि हम अगर लैंडफिल में भेजेंगे हमारे फार्म पे जनरेट हुआ कूड़ा, तो वहाँ पे तो वैसे ही जलना ही है। सो देन वी फिगर्ड कि हम यहीं पे हमारा कूड़ा जलाएंगे, तो वी ट्राई कि हम जितना हो सके कम प्लास्टिक यूज़ करें, लेकिन एट दी एंड इफ़ यू आर जनरेटिंग प्लास्टिक तो एटलीस्ट हम ट्राई करते हैं कि खुद ही जला दे उसको, दैट वे यू नॉट एडिंग टू द प्रॉब्लम विच इज़ ऑलरेडी एट द लैंडफिल। एनिमल एरिया से आए हुए हैं। हाँ जी, ये हम इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारे पास डब्बे डोनेशंस में आते हैं वो डब्बे भी प्रोडक्ट्स में यूज हो जाए ना। जी, तो प्रतीक और मैं आड़ू लेने के लिए जा रहे हैं। आई विल ट्राई टू जॉइन प्रतीक अब दे। काफी सारे आड़ू लगे हुए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो जब ये पक जाते हैं तब ये पूरी तरीके से लाल हो जाएंगे। कल हम योल कैंट से कुछ और पुराने दरवाजे और लकड़ी का सामान लेके आए हैं, जो भी हमारे बंगलोज बन रहे हैं उसमें तो इस्तेमाल नहीं होंगे, पर हमारा जो हॉस्पिटल बनना है और जो हमारा इको विलेज की कंस्ट्रक्शन है शायद उसमें इस्तेमाल होगा। तो अभी तो ये हमारी साइट है जहाँ पे हमारा अस्पताल बनना है। यहाँ से ग्रीन हाउसेस वगैरह धीरे धीरे हट रहे हैं। हम जो ये सामान उतार रहे हैं ना, ये तो कुछ दरवाजे हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ इटालियन प्रिजनर्स के लिए यहाँ जेल बनी थी उसके दरवाजे हैं। संजय भैया खूब बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे, अरे 4 लोग लगेंगे दरवाजे। रविंदर देखो अकेला ही उतारने में लगा। अभी अभी अपन लोग जो पुराना सामान है वो हॉस्पिटल वाली साइड पर छोड़ के आए हैं। यहाँ पे जे और प्रतीक के हाथी का उतार रहे हैं। तुम लोग साइलेज बना रहे हो या हे? साइलेज भी बना रहे हैं और ये भी बना। साइलेज तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। हे तो तुम बचपन से बनाते आए हो? नहीं। एक काफी अद्भुत दृश्य दिखने वाला है आपको अभी। ये मीमी है, दुखी, ये राधा दीदी है। देखो ये दोनों ट्विन सिस्टर्स लग रही है अभी। मैं अभी एनिमल एरिया में आया हूँ, मैं और रिया, और बेटी जी हमें कर रही है हरास। बेटी जी बहुत क्यूरियस है कि रिया के गुस्से ऐसी क्यों है। बेटी जी बच्चों को इतना पसंद करती है, बच्चे भी बेटी जी को इतना पसंद करते हैं।
और अब मैं आया हूँ योगा एरिया में, जहाँ पे ये जो चार नए पपीज हैं इनके साथ चैतन्य और जो फोटोशूट करें। ये फोटोशूट बहुत ज़रूरी है ताकि इन पपीज को घर मिले। साथ ही साथ पता है क्यूट पपीज के माध्यम से लोग सभी जानवरों की बात समझना शुरू होते हैं कि यार सभी जानवरों को दर्द होता है, चाहे वो प्यारे दिखते हों या नहीं। ओ पपीज, इन्हें पकड़ लूं मैं। ऐसे बोलने में ना इन लोग को शर्म आती है, जो मैनली मैन होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं पकड़ने वाला हूँ। अच्छा, इस समय यहाँ पे केले बट रहे हैं जो जसमीत जी ने हमें बैसाखी के अवसर पे स्पॉन्सर किए हैं। मैं आपको रेजिडेंट्स के नाम बताता हूँ, अगर आप जानते नहीं। चरणदास, बेडी जी, मीमी, टोफू, चाचू, अहिल्या। hey, अभी हमारा लंच टाइम है एंड अगेन एज ऑलवेज लंच टाइम के बीच में ये लाए हैं फ्लैग्स। अगर आपको पता नहीं मैं किन फ्लैग्स की बात कर रहा हूँ, ये है हमारे बिग और स्मॉल, वी लव देम ऑल फ्लैग। ए दीज आर बेस्ड ऑन जो तिब्बतन पेयर फ्लैग होते हैं जिसको लुंगटा कहते हैं। आज हम कर्ली और ज्वाला को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन होती है कि दो डॉग्स मिलते ही आपस में लड़ ना पड़े, तो इसलिए कर्ली को हम खाली पहले दो तीन राउंड पे लेके जाएंगे। ज्वाला की एनर्जी इसमें बहुत है क्योंकि अभी छोटी पपी है, तो पहले इसकी एनर्जी हम एग्जॉस्ट करें प्ले एरिया में। जब वो थोड़ी बहुत थक जाएगी तो फिर हम कर्ली को अंदर प्ले एरिया में लेके आएंगे। फिर इनकी होगी पैरेलल लीश वॉकिंग, जहाँ पे एक दूसरे को देख सके और साथ में चल सके, और उसके बाद धीरे 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 इनकी आपस में मुलाकात होगी। इसको देखो कैसे प्यास लगी हुई है, क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है, तो इसलिए हमने प्ले एरिया में भी डॉग्स के लिए वाटर बोल्स रखे, ताकि वो आते जाते वॉक करते हुए आए तो भी एक वाटर ब्रेक ले सकें। गर्मियों में बहुत ज़रूरी कि आप लोग भी अपने घर के बाहर वाटर बोल्स रखें, ताकि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पानी पीने को मिले। जीवन जी ने अभी हमें हाल ही में ज्वाइन किया है। जीवन जी हमारे साथ एज पार्ट ऑफ क्लीनिंग टीम जुड़े हैं। चरणदास का आप मुझे अपडेट बताएंगे, मैं देख रहा हूँ इसका यहाँ ट्रीटमेंट चला। चरणदास का जो जॉइंट है उस पर जो इन्फ्लेमेशन आई हुई थी, हमने चेक किया है इसको, लेकिन कोई पस या कुछ नहीं है, बाहर का वुंड बचा हुआ है, ट्रीट कर लेंगे उसके बाद। उसके बाद ये बाहर इनके साथ घूम सकता है, चार्ली वगैरह के साथ, लेकिन पैर इसका थोड़ा ऐसे रहेगा। क्या हुआ इसको? गाड़ी से हिट हो गया ना जी। आप लोगों में से काफी लोगों को शायद ये ना पता हो कि हम रेस्क्यूज के अलावा जो आउट पेशेंट है वो भी लेते हैं, यानी कि जो लोगों के पालतू पशु हैं उनका भी हम यहाँ पे इलाज करते हैं। इसके अलावा जो हम एक तरीके से हेल्प करते हैं वो है जो लोग दूर बैठे हैं जिन्हें वेटनरी असिस्टेंस नहीं मिलती, वो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं और डॉक्टर गुलशन उनकी मदद करते हैं। खैर, इन्होंने मेडिकल सप्लाईज की दुकान लगा रखी है पूरी, और ज्योति बताएंगी कि ये कहाँ से आई हैं। सर, ये रोहित जी ने हमें अमृतसर से डोनेट किए हैं। कुछ दिन पहले विजिट भी उन्होंने किया था अपनी वाइफ के साथ। रोहित जी, थैंक यू सो मच। आज फ्राइडे, आज अपडेट का लास्ट डे होता है। हमारी तीन टी शर्ट जो प्रिंट होके आई हैं उसमें से एक में एक मिस्टेक थी, इस पर पीपल फार्म लिखा ही नहीं था, तो अभी ये स्टिकर्स आ गए हैं। संचिता हमारे साथ वॉलंटियर कर रही हैं, तो ये स्टिकर्स लगा रही हैं। आर यू एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग? हां जी, मेडिटेटिव हो गया। राइट, एग्जैक्टली। सी, ये जो रेपिटेटिव चीज़ें होती है ना, इफ़ यू गेट इन टू इट, ये काफ़ी मेडिटेटिव होती हैं। एक्चुअली कुछ टाइम तक ये हमारी आखिरी ही वॉलंटियर रहेंगी, क्योंकि फिर से गांव जो है लॉकडाउन मोड में जा रहा है। आज थर्सडे है, इस हफ्ते का आज पहला रेस्क्यू आया है। ये गाय अभी नैन पोखर से आई है, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये लोग लाए हैं ना, एक जो गलती हुई वो कि इसके नीचे कोई कपड़ा या बोरी नहीं थी, क्योंकि अगर वो रहती ना, खासकर जो गाय खड़ी नहीं हो सकती, तो वो कपड़ा या बोरी जो है स्ट्रेचर के काम आता है, तो उसको उठाने में आसानी होती है। क्योंकि अब हमें नहीं पता, हो सकता है इसको कोई फ्रैक्चर भी हो, हम उसको जितना उठाएंगे उल्टा पलटा करेंगे उतना उसको दर्द होगा, कि ये जो गाय है अभी ये खड़ी नहीं हो सकती। बब्बू जी जो इसको लेके आए हैं और गौरव जी जिन्होंने इसके बारे में कॉल किया, इन लोगों ने अपना एक जुगाड़ सा बना रखा था कि हमारे पास तो एक कैटल होस्ट है, पर ना हो तो बांस की मदद से या जो भी जुगाड़ करके पट्टे वगैरह लगा के ये गाय को खड़े करते रहे। ये भी बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि ये भारी पशु है, अगर ये बैठी रहेगी अपने पैरों के ऊपर तो सर्कुलेशन ख़त्म हो जाएगी और उसके पैर जो हैं बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे, उसके लिए खड़ा होना उतना मुश्किल हो जाएगा, और जब ये लोग खड़े नहीं हो पाते इनकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है। बाप रे, इसकी तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसकी जो नाक से भी खून आया हुआ है, इसकी नाक बिल्कुल सूखी है। अभी तो डॉक्टर अंकित आएंगे, डॉक्टर हिमांशु चेक करेंगे। इसकी तो सर से भी कोई फ्लूइड डिस्चार्ज भी हो रखा है। आई डोंट नो, मतलब मैं क्या कहूँ ये देख के। तो सरकारी अस्पताल जो हैं या क्लिनिक है, बस वो इसीलिए है कि गाय को सुई लगाओ, प्रेगनेंट करो, उसका बच्चा पैदा करो, दूध लो, फिर दूध लेने की मदद के लिए खोल रखी हैं इतनी चीज़ें। बाप रे, इसकी तो चमड़ी उतरी हुई है यार सारी। इसके
स्कल में छेद है, तो जो स्कल में दिमाग होता है ना, एक तरह के फ्लूइड में सस्पेंडेड रहता है, तैर रहा होता है, आप कह लो एक वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो जिसके स्कल में छेद है उससे वो फ्लूइड बाहर आ रहा है, उस छेद से जो भी मिट्टी जो भी सब कुछ बाहर से है सब कुछ अंदर जा रहा है। आई डोंट थिंक इस डैमेज को रिवर्स करने का कोई तरीका है। प्रोग्नोसिस बहुत ही ग्रेव है। सरल शब्दों में कहूँ तो इस गाय के कोई चांसेस है नहीं।